मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ और हम इस वक्त मौजूद हैं नानकपाड़ा पान मंडी के इलाके के अंदर। और ये हमारे पीछे आपको इस वक्त माई कराची यूट्यूब चैनल से मैं बात कर रहा हूँ और ये हमारे पीछे आपको दिख रहा है कि फैमिली फेस्टिवल के नाम पे रौनक रमज़ान के नाम का एक पार्क बनाया गया है। ये पार्क है, कदीमी पार्क है ये, यहाँ के मकामी लोगों की एक सस्ती सहूलत का टैक्सेस के बदले में हमें इस तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम इस पर इस वक्त तशवीश का इजहार है कि ये कमर्शियल है, मुकम्मल तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है इस पार्क को। 30 रुपये मोटरसाइकिल की चार्जिंग, मोटरसाइकिल के ऊपर जो है 30 रुपये इसकी पार्किंग की चार्जेज है और जो है अंदर एंट्री चार्जेस 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 30 रुपये इसकी चार्जिंग चार्जेस ली जा रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये अपना बेहतरीन किस्म के झूले वगैरह लगाए हुए हैं आवाम के नाम, आवाम को सस्ती तफरी मुहैया करने के नाम पे। लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा मखमसे का शिकार है ये भी, सस्ती तफरी भी इस महंगाई के पुरफतन दौर के अंदर, के 100 रुपये और 150 रुपये और 200 रुपये के लगभग के झूलों की यहाँ पर सहूलत मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किस तरीके से यहाँ की जो अपनी यहाँ पर ग्रास है और यहाँ की जो अपनी एक नेशनलिटी है, यानी कि जो एक नेचुरल जो एक चीज़ थी जो गवर्नमेंट ने एक बजट के अंदर जो इसका जो बाकायदा बजट पास होता है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिफाजत के हवाले से, वो पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाही की तरफ है। आप देखें इसके ग्रास वगैरह सब चीज़ जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है मुतासिर हो रही है और बुरी तरीके से ये हाल, ये जो एक मुकम्मल एक कमर्शियल जो है उसका आपको पेश कर रहा होगा, अपना पूरा एक सिस्टम कमर्शियल बना हुआ है ये। और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर भी जो है ये आगे शादी लॉन्च वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये अगर आवाम को दी जाती हैं इस महंगाई के दौर के अंदर, तो कम से कम सस्ती सस्ती वो दी जाए, सस्ती एक्टिविटीज़ की जाए ताकि लोगों को एक सस्ता वो मुहैया किया जा सके, ना कि इतना महंगा हो, एक्सपेंसिव हो कि इस महंगाई के अंदर अगर लेकर आते हैं माँ बाप अपने बच्चों को इधर, तो कमोबेश भी 1000 रुपये इसके अंदर आपको चाहिए, जिसके अंदर 1000 में आप मुश्किल से बमुश्किल 3 झूलों के अंदर बच्चों को बिठा सकते हैं। अब ये इजाज़त किस तरीके से इन लॉन्स के ऊपर, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे किस तरह इनके ऊपर इजाज़त दी जाती है और किस तरह इसको कमर्शलाइज करके और इसको एक कारोबारी बिजनेस इंडस्ट्री का मैं कहूँगा इसको अहदा दे दिया है। तो UC 6 के यहाँ के जो हैं अपना वाइस चेयरमैन मंसूर शेख साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा थोड़ा सा इसको थोड़ा सस्ता बचत सस्ता कोई एक्टिविटी इसको करें, ना कि आवाम से भरपूर तरीके से कमर्शलाइज के नाम पे आवाम से पैसे ऐठे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम किया जाए इन चीज़ों को। और देखें बाहर भी आप पार्किंग के नाम पे KMC की टोपियां लगा के लोग खड़े हैं, एक अजीब हाल मचा हुआ है। मतलब ये कि जगह भी कम KMC की नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी KMC के अंदर मोटरसाइकिलें चार्ज पार्किंग के नाम पर यहाँ पर 30 रुपये मोटरसाइकिल के लिए जा रहे हैं। पार्क से मुतसिल रोड पर तो लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्क के सामने जो रोड है उस पर भी लगाने के ऊपर ये KMC के नाम पर यहाँ पर लोग खड़े हैं आके, और वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल खड़ी करने पे आपके जो है 30 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। मुकम्मल तरीके से एक ये करप्शन का बाजार गर्म है मैं कहूँगा, जबकि एक दूसरी तरफ पूरे कराची के अंदर इस वक्त आप देखें सामने भी नाले का पानी जमा है। और यही हाल पूरे ओल्ड सिटी एरिया का है कि यूसी के जितने भी चेयरमैन थे जो कि अपना आए थे इस वक्त, और इनका एक ही स्लोगन था कि करप्शन से पाक जो है कराची होगा, और इस नाम से इन्होंने हमसे वोट लिया है पूरे कराची से। और उसके बाद इनके आप ये देखें इनके इनकी तवज्जो मुकम्मल तरीके से इस करप्शन के ऊपर है और इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर हैं, ज़्यादा सरमाया बना के और बैरून मुंतकिल करने की एक्टिविटीज़ हैं मैं तो कहूँगा। ये आवाम को सहूलत या आवाम के ये वो मुंतखब नुमाइंदे हो कि किस तरीके से कमर्शलाइज इस तरीके से इस तरह ये काम कर सकते हैं। और देखें आप पार्क की रौनक को किस तरह से इस पार्क को उजाड़ा जा रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के नाम पे धंधा चल रहा है एक मुकम्मल तरीके का। कोतारा मैं कहूँगा कि आपकी जो इस वक्त वे है वो है, आपने इस वक्त कराची के अंदर इस वक्त 23वां रोजे की शब चल रही है, तो आप ये देखें कि पूरे कराची के अंदर नालों ने एक पूरा ओल्ड सिटी एरिया को घेर के रखा है। नमाजी परेशान हैं, आगे ईद के दिन मौजूद हैं, वार त्यौहार के दिन मौजूद हैं, लोग किस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे और अपने अहलो अयाल के साथ साफ़ कपड़ों के साथ किस तरह वो उन नदी नालों को उबूर करते हुए किस तरीके से वो जो है वो नमाज से वापस आएंगे अपने कपड़ों की पाकी नापाकी का ख्याल करते हुए। मैं सख्त हम इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये खुदा रहे इसको थोड़ा सा देखा जाए। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बहुत